हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे तोरण पट्टी। ये देखिए तोरण पट्टी डिज़ाइन है, इसे कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये देखिए ब्राउन और पिंक वूल है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, आप भी मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से क्लिक करके। चलिए पहले हम चेन बना लेंगे। इस तरह से हम एक चेन बना लेंगे, फिर इसमें से ही हम चार डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4। इस तरह से हम चार डबल क्रोशेट बना लेंगे। इसके बाद हम दो चेन देंगे, फिर सेम इसी तरह से फिर डबल क्रोशेट बनाएंगे चार। ये देखिए इस तरह से चार डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे, फिर हम पीछे भी बनाएंगे एक एक करके, इसमें भी चार डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए चार डबल क्रोशेट हो गए। इसके बाद फिर हम दो चेन देंगे 1, 2। दो चेन के बाद फिर इसमें से डबल क्रोशेट बनाएंगे चार। इस गैप में हमें डाल डाल के करने हैं चार डबल क्रोशेट। ये देखिए इस तरह से, फिर हम इसे घुमाने के बाद फिर चार डबल क्रोशेट बनाएंगे एक के ऊपर एक। इस तरह से चार डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर हम दो चेन देंगे, फिर इसमें से भी फिर हम चार डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से कर लेंगे हम, फिर से चार डबल क्रोशेट बनाएंगे 1, 2, 3, 4। ये चार डबल क्रोशेट हो गए। फिर हम दो चेन देंगे, फिर चार डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से हमें बनाना है। देखिए इस तरह से बनाते हम तैयार कर लेंगे। आपको जितना लंबा बनाना है आप उतना लंबा भी बना सकते हैं। अब हम ब्राउन कलर लेंगे, कॉर्नर में हम एक स्लिप चेन देंगे, स्लिप चेन के बाद फिर हम 8 चेन्स देंगे, 8 चेन्स इस तरह से। फिर हम कॉर्नर में स्लिप चेन देंगे, देखिए इस तरह से देंगे, फिर 8 चेन्स बना लेंगे। फिर कॉर्नर में एक स्लिप चेन दे देंगे। इस तरह से हमें सेम ही करना है सब में, 8 चेन्स देंगे। फिर कॉर्नर में एक स्लिप चेन देंगे,
ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पर हम 6 चेन देंगे, फिर इसके मिडिल में एक स्लिप चेन देंगे, फिर 6 चेन देंगे, फिर साइड के कॉर्नर में स्लिप चेन दे देंगे, फिर हमें 8 चेन ही देने हैं। 8 चेन देने के बाद फिर कॉर्नर में एक स्लिप चेन देंगे, फिर कॉर्नर में स्लिप चेन देंगे। यहाँ पर हम उसी तरह 5 चेन देंगे, और यहाँ पर एक स्लिप चेन देंगे, और यहाँ पे हम 4 चेन देंगे। इस तरह से हम बांध लेंगे। इस तरह से अंदर में हम एक स्लिप चेन देंगे, फिर डबल क्रोकेट करने हैं हमें। इस तरह से डबल क्रोकेट करेंगे हम। तीन डबल क्रोकेट करेंगे, फिर 3 चेन देंगे, फिर 3 डबल क्रोकेट करेंगे, फिर एक लास्ट में एक स्लिप चेन देंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी हमें एक स्लिप चेन देने हैं। पहले स्लिप चेन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम डबल क्रोकेट करेंगे, 3 डबल क्रोकेट करेंगे, फिर हम 3 चेन देंगे, फिर हम डबल क्रोकेट करेंगे 3, फिर हम एक स्लिप चेन देंगे, इस तरह से यहाँ पर भी हम एक स्लिप चेन देंगे, फिर डबल क्रोकेट करेंगे 3, फिर हम 3 चेन देंगे, फिर 3 डबल क्रोकेट करेंगे। फिर हम एक स्लिप चेन देंगे, इस तरह से हमें सारे चीज बना लेने हैं सारे कॉर्नर के। ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे सारे कॉर्नर्स में। अब हम इसमें मोती लगाएंगे। मोती लगाने के लिए पहले हम बांध लेंगे इसे अच्छे से। हमें धागा को बांध लेना है। फिर हम एक एक करके मोती लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें करना है। हमें छोटे ही मोती लेने हैं, आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से एक एक करके हम लगाते जाएंगे मोती को। आप चाहे तो इसमें हॉट ग्लू भी यूज कर सकते हैं।
एक एक करके हम सारे मोती को इस तरह से लगा लेंगे। देखिए इस तरह से एक एक करके हम सारे मोती को लगा लेंगे। ये देखिए तोरण पट्टी बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही सुंदर तोरण पट्टी है और बहुत आसानी से बनाने में। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।